दुनिया भर में श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा कोई केंद्र है तो वो है भारत के मस्तक पर विराजमान माता वैष्णो देवी। वैष्णो देवी की यात्रा करना और दिव्य दर्शन करने की प्रबल कामना हर सनातनी में होती है। यही वजह है कि 500 सालों में पहली बार जब कोरोना संक्रमण की वजह से पवित्र यात्रा और दर्शनों पर रोक लगी तो देश दुनिया के करोड़ों हिंदुओं को काफी निराशा हुई। लेकिन अब माता रानी के दरबार से भक्तों की दूरी खत्म होने वाली है और माता के जयकारों से फिर एक बार यात्रा मार्ग गूंजने वाला है। यात्रा की तैयारियों की बात करें तो जैसे ही यात्रा शुरू होगी श्रद्धालुओं को अब कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इसको लेकर श्राइन बोर्ड तेजी से काम कर रहा है। अनलॉक इंडिया के दौरान लगातार सहूलियतें बढ़ाई जा रही हैं। ऐसे में ये नियम बनाया जा रहा है कि यात्रियों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर और कुछ अंतराल के बाद ही आगे बढ़ाया जाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इसके साथ ही 3 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से ऊपर वाले लोगों को दर्शन के लिए नहीं आने की सलाह दी जाएगी। बीमार और संदिग्धों का हेल्थ चेकअप होगा। आपको बता दें कि इस समय सुबह में 6 बजे और शाम को 7 बजे पूजा होती है। अभी भवन में करीब 20 श्राइन बोर्ड के कर्मचारी काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा खुलते ही अनियंत्रित हालातों से बचने के लिए दर्शन से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों का कटरा ट्रैक एंट्री पॉइंट और भवन के पास स्क्रीनिंग होगी। मास्क पहनने या चेहरे को ढकने जरूरी होगा। जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों को छोटे छोटे समूह में बांटकर और कुछ अंतराल के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। पंडित जी अब सीधे भक्तों को टीका नहीं लगा पाएंगे। भक्तों को टीका कैसे लगाया जाए इस पर विचार किया जा रहा है। एक दिन में 5,000 से 7,000 लोगों को दर्शन की अनुमति दी जा सकती है जबकि सामान्य समय में इस सीजन में 35,000 से ज्यादा लोग एक दिन में दर्शन करते थे। यात्रा से जुड़े जानकार दावा करते हैं कि 18 मार्च से वैष्णो देवी की यात्रा बंद है। तब से लेकर अब तक सिर्फ 1 करोड़ रुपए ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं जबकि पहले इस सीजन में एक दिन में ही 50 से 60 लाख रुपए प्रतिदिन दान के रूप में आता था। कई महीनों से भक्तों के जयकारे का इंतजार कर रहे यात्रा मार्ग के दुकानदारों को जहां इंतजार है यात्रियों के आने का, वहीं अब माता वैष्णो देवी के भक्तों को इंतजार है तो माता रानी के बुलावे का। जय भीम टीवी के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट।